हम लोग गए लूसिड में, जिसको नहीं पता लूसिड इज द लग्जरी वर्जन ऑफ टेस्ला। टेस्ला तो बच्चा भी नहीं है उसके सामने। देख लीजिए इसको, गौर से देखिए, यही है वो बंदा जो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है बाबर दुरानी और आज हम एक दफा फिर से हाजिर हैं एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ, और हमेशा की तरह मेरे साथ हारिस भाई भी इस व्लॉग में होंगे। इस दफा हम आए हैं आज रोजमेरी स्क्वायर। रोजमेरी स्क्वायर जो है वो फ्लोरिडा स्टेट के शहर वेस्ट पाम बीच में वाकिया है। रोजमेरी स्क्वायर को द स्क्वायर भी बोला जाता है। ये इंडोर और आउटडोर मॉल दोनों कंसिडर होता है। अगर आपको इस मॉल में आना है और अगर मायामी से आ रहे हैं तो आपको नॉर्थ की साइड पे जाना पड़ेगा, तकरीबन 70 miles, तकरीबन सवा घंटा दूर है। जबकि अगर आप आ रहे हैं ऑरलैंडो की साइड से तो आपको ऑरलैंडो से तकरीबन 170 miles लगेंगे या तकरीबन 2.25 घंटे लगेंगे I-95 से। रोजमेरी स्क्वायर को द स्क्वायर भी बोला जाता है और डाउनटाउन वेस्ट पाम बीच से भी पहचाना जाता है। यहाँ पर अक्सर इवेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं, तकरीबन वीकली मंथली ऐसे चलता रहता है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको अपनी वजह ढूंढनी पड़ेगी आने के लिए, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। मेरे आने की वजह यहाँ पर ये होती है कि मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है चीज़ केक फैक्ट्री के नाम से, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ पर सी फूड वगैरह भी मिलता है आपको। और इसके अलावा यहाँ पर एक और रेस्टोरेंट है जिसका नाम है द सिटी प्लेस, और ये पिज़्ज़ा शॉप है एक तुर्किश ओनर का, और यहाँ पर कुछ आइटम्स जो हैं वो हलाल भी दस्तयाब हैं। अगर नहीं है तो आप फिर वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं। स्टैंड अप कॉमेडी के लिए थिएटर भी मौजूद है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, जैसे रसल पीटर हो गया, केविन हार्ट्स हो गया वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। तो अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी से शौक है तो दैट्स योर स्टॉप, यहाँ पर आप आके देख सकते हो स्टैंड अप कॉमेडी भी। उसके अलावा यहाँ पे AMC थिएटर भी है, अगर आपको कोई मूवी वगैरह देखनी है तो आप यहाँ पर आके मूवीज भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक दरख्त मिलेगा जो कि रात के टाइम में बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें लाइट्स ऑन हो जाती हैं रात के टाइम में और इसको बोलते हैं द विशिंग ट्री। यहाँ पे भी एक रश लगा होता है, लोग तस्वीरें बना रहे होते हैं उसके साथ, विशिंग ट्री के साथ। पीछे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बार्स भी हैं, ऊपर रेस्टोरेंट्स और बार्स भी हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन अगर आपका लेना देना हो तो आप वहाँ जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो के मेन मकसद की तरफ, यानी कि लूसिड के शोरूम की तरफ। यहाँ पे इन्होंने ये वर्चुअल रियलिटी के लिए वो भी रखे हैं कि अगर गाड़ी को ड्राइव करना हो तो उससे पहले यहाँ पे चेक किया जा सकता है। लूसिड के शोरूम को यहाँ पे शोरूम नहीं बोला जाता, यहाँ पे स्टूडियो बोला जाता है। लूसिड की पूरी दुनिया में सिर्फ 21 स्टूडियोज हैं, जिनमें से एक यहाँ वेस्ट पाम बीच में है रोजमेरी स्क्वायर में। लूसिड गाड़ी की शोहरत की वजह जो है वो सिर्फ खूबसूरत डिजाइन नहीं है, बल्कि लूसिड का जो ओनर है वो टेस्ला के लिए इंजीनियर रह चुका है, जिसकी वजह से लूसिड बहुत मशहूर है। लूसिड प्रीमियम प्रोडक्ट है, सारी टेक्नोलॉजी है वो टेस्ला की ही है, थोड़ी सी एडवांस कर दी है। लूसिड 2021 तक जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनमें सबसे ज्यादा रेंज वाली गाड़ी थी। इस साल 2022 में मॉडल 3 जो है रियल व्हील ड्राइव, उसने लूसिड एयर को भी पीछे छोड़ दिया।